नमस्ते सस्कार नोनी आदित्य और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। एक मिनट वीडियो में कैसे स्वागत करूंगा, तो मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ ये वीडियो देखने के लिए। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिडी कीबोर्ड और ए पियानो और सिंथेसाइजर, तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है। बेसिक से जो म्यूजिक जो स्टार्ट कर रहे होते हैं मेरे जैसे बंदे जिनको ये डाउट होता ही है नॉर्मली, तो मिडी कीबोर्ड होता है, मैं थोड़ा जल्दी निपटाने की कोशिश करूँगा। मिडी कीबोर्ड होता है एक, इसको बोल सकते हैं म्यूजिकल कीबोर्ड, जैसे कीबोर्ड होता है हमारे पीसी के अंदर या किसी चीज़ के अंदर, पीसी के अंदर, तो वो सिर्फ जस्ट वर्ड टाइप करने काम आता है ना, तो ऐसे जो इसमें होता है म्यूजिक में वो मिडी कीबोर्ड जो होता है एक म्यूजिकल कीबोर्ड होता है जो कि म्यूजिकल नोट्स टाइप करने का आता है। जैसे आपको देखना दिखता है एकदम पियानो जैसा है ये, जैसे कि आपको देखने में आ रहा होगा, तो दिखता सेम पियानो जैसा है, बट इसमें खुद की साउंड लाइब्रेरी नहीं होती, कोई साउंड सैंपल इसमें अवेलेबल नहीं होता, मतलब ये खुद के अपने साउंड से निकाल सकता, मतलब ये बेबस होता है, ये अपने साउंड नहीं निकाल सकता। ये अपने साउंड नहीं निकाल सकता है। तो पियानो की बात करें या सिंथेसाइजर की बात अगर करें, तो पियानो या सिंथेसाइजर, पियानो होता है जो बेसिकली नॉर्मल हमारा ग्रैंड पियानो या नॉर्मल पियानो या इलेक्ट्रिकल पियानो, तो इस तरह पियानो के टाइप्स होते हैं काफी सारे। अब पियानो होता है जो मेन पियानो का साउंड निकाले, जानती हो पियानो का, और उसके बाद जो बारी आती है सिंथेसाइजर, तो सिंथेसाइजर वेरियस काइंड ऑफ अपने अंदर साउंड लाइब्रेरीज रखता है जो काफ़ी सारी होती हैं, और डेफिनेटली बात है कि साउंड रखेगा तो खुद के साउंड्स निकाल सकता है सिंथेसाइजर, और मोस्टली जो लाइव शोज वगैरह प्ले करने के लिए काम आता है वो आता है हमारा सिंथेसाइजर। तो मिडी कीबोर्ड से म्यूजिक मेकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे स्टूडियो में यूज़ करते हैं, तो मेरे पास जो है मिडी कीबोर्ड है, तो मिडी कीबोर्ड यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई अंदर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है हमारे पीसी के अंदर, तो उसमें से अगर हमें साउंड निकालें तो मिडी कीबोर्ड यूज़ करेंगे, और अगर हमें चाहिए कि हमें बस सीधा प्ले करना है, लाइव प्ले करना है, जैसे रिकॉर्ड करना है लाइव किसी माइक के थ्रू, तो हम यूज़ करेंगे पियानो या सिंथेसाइजर। तो ये डिफरेंस होता है बेसिक सा पियानो सिंथेसाइजर और मिडी कीबोर्ड के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग वन एंड ओनली आदित्य। आज आगे ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियोज आते रहेंगे म्यूजिक के बारे में, सो सब्सक्राइब करके जाइए, लाल बटन, मेरी टी शर्ट भी लाल है तो इस पर भी क्लिक कर सकते हो, लाल बटन पर नीचे है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करके जाना है सबको, लाइक करके जाना है, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आगे ऐसे वीडियोज आते रहेंगे, देखते रहिए।